बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल ग्लोब ई लर्निंग। माई सेल्फ हमजा अली फ्रॉम इलाम इकबाल मेडिकल कॉलेज MBBS। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एक्जिला ऑफ अपर लिम्ब। इस ये शुरू करने से पहले पहले मैं आपको बताता चलूं कि पेक्टोरल रीजन, स्कैपुलर रीजन और एक्जिला में से मिला के जो MCQ जाने हैं वो दो आने हैं, और SCQ जो है पेक्टोरल रीजन, स्कैपुलर रीजन, एक्जिला और आम वाले चैप्टर को मिला के जो आने हैं वो एक आना है। इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट MCQ हैं, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट SCQ हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और कौन सी चीजें आपने सिर्फ रीड करनी है। शुरू करते हैं, एक्जिला आ गया हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पे आपने MCQ आ गया, ये आपने देख लेना है, बाकी आपने एक दफा इसे रीड कर लेना है। और इसमें यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है वो है बाउंड्रीज और इसके कंटेंट्स ऑफ एक्जिला। तो ये यहाँ से शुरू होता है, ये आपने सारा याद करना है, ये इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये आपने सारा का सारा देखना है। और इसमें ये फिगर भी आपने देख लेनी है, ये फिगर 6.37, और ये यहाँ तक आपने सारा याद करना है। इसमें एक और SCQ जो पूछा जाता है वो है एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड और पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड किस तरह बनते हैं, वो भी इसमें ये मेंशन किया हुआ है, ये भी आपने देख लेना है, ये भी SCQ बन सकता है। उसके बाद हमारे पास आ गया एक्सिलरी आर्टरी, ये SCQ है। इसमें आपने जो चीजें याद करनी है, इसका कोर्स करना है, ब्रांचेस करनी है और डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। इसमें जो MCQ बंद है वो भी मैंने मेंशन कर दिया, बाकी आपने याद कर लेना है। और इसमें इसके बाद यहाँ पे ये जो फिगर है, फिगर 6.39, ये आपने देख लेनी है, ये देख लेनी है कि आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी कहाँ से पास कर रही है और कौन से पार्ट्स हैं और किस तरह ये डिस्ट्रीब्यूट होती है। उसके बाद यहाँ पे आपने ये भी देख लेना है। उसके बाद हमारे पास आ गया टेबल 6.7, ये आपने आर्टरीज ऑफ प्रॉक्सिमल अपर लिम्ब, ये आपने देख लेना है। और इसमें एक्सिलरी आर्टरी वाला ये SCQ भी बन सकता है, और ये नाम है उसके, और उसके बाद कहाँ से अराइज होते हैं और वो किन किन एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये आपने पूरा टेबल ही देखना है। KLM में आपने सारे टेबल ही याद करने हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया ये फिगर 6.40, ये भी आपने देख लेनी है। उसके बाद हमारे पास आ गया एक्सिलरी वेन, एक्सिलरी वेन में से आपने जो MCQ है वो मैंने मेंशन कर दी है, बाकी आपने रीड कर लेना है और इसके कोर्स को देख लेना है। यहाँ पे ये फिगर में इसका कोर्स वाजह है, ये आपने देख लेना है कि कैसे बनती है और क्या इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है। उसके बाद एक्सिलरी लिम्फ नोड्स आ गया, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स ये SCQ है, ये आपने याद करना है और इस ये सारा का सारा ही आपने याद करना है। और यहाँ पे ये फिगर देख लेनी है कि ये किस किस पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया ब्रेकियल प्लेक्सिस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये आपने हर सूरत ही याद करना है और इसकी हर चीज याद करनी है आपने, चाहे इसकी डायग्राम है, चाहे इसकी थ्योरी है, चाहे ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई है, जो भी है ये आपने सारा का सारा ही याद करना है। और इसमें आपने फिगर्स भी देखनी है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन फिगर्स भी पूछी जाती हैं कि खाली आप इसकी ड्रॉ ही कर दें ब्रेकियल प्लेक्सिस को, तो आपने ये फिगर भी बना देनी है। तो इसके अलावा हमारे पास ये ब्रेकियल प्लेक्सिस और नर्व्स आ गई, ये भी आपने टेबल याद करना है, ये टेबल भी आपने याद करना है। उसके बाद हमारे पास आ गया ये सारा ही आपने याद करना है ब्रेकियल प्लेक्सिस वाला। तो उसके बाद हमारे पास ये यहाँ पे एक्जिला की आर्टेरियल एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये आपने स्कैपुला के अराउंड एनास्टोमोसिस की ये डायग्राम भी करनी है, ये डायग्राम पूछी जाती है। और इसके बाद हमारे पास आ गया कंप्रेशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, SCQ है, याद करना है। एन्यूरिज्म ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, ये भी SCQ है, ये भी आपने याद करना है। इंजरीज टू एक्सिलरी वेन, ये रीड करना है, MCQ आपके सामने मेंशन है। रोल ऑफ एक्सिलरी वेन इन सबक्लेवियन वेन पंक्चर, रीड करना है। एनलार्जमेंट ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, रीड ही करना है, आपको लिम्फेंजाइटिस का पता होना चाहिए डेफिनेशन का, बाकी आपने इसे रीड कर लेना है। और डिसेक्शन ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, रीड ही करना है, इसमें आपने लिम्फेडिमा को देख लेना है। और इसमें जो MCQ बंद है वो भी मैंने मेंशन कर दिए हैं। और उसके बाद वेरिएशन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, ये SCQ है, ये भी आपने देख लेना है। और उसके बाद ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरीज जो है, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है, 12 दफा पूछा जाता है। ब्रेकियल प्लेक्सिस के रिलेटेड जो भी चीज है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपने याद करनी है, इसमें ये आपने देख लेना। और इसमें आगे ब्रेकियल प्लेक्सिस ब्लॉक आ गया, ये आपने रीड कर लेना है। नेटर एटलस से जो आपने फिगर्स देखनी है वो 414, 415 है, ये ओस्पी और वाइवे के लिए देखनी है। जो 416 है वो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ब्रेकियल प्लेक्सिस की ड्राइंग बनी हुई है।
और उसकी ब्रांचेस भी मेंशन की हुई हैं। उसके बाद बीडी चौरासिया से जो आपने चीजें देखनी है वो अर्ब्स और क्लंकीज पैलेसेस है, जो कि इसमें भी दिया हुआ है केएलएम में यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। उसमें जो है बिल्कुल आसान तरीके से एक्सप्लेन भी किया हुआ है और अच्छी तरह ऑर्गेनाइज भी है। उसके बाद हॉर्नर सिंड्रोम भी आपने देख लेना है, उसी में बीडी में ही दिया हुआ है, ये केएलएम में नहीं दिया हुआ। तो यही था इस चैप्टर के बारे में। इंशाल्लाह आप इसे फॉलो करें और अल्लाह आपको कामयाब करेगा। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन बाय मेडिकल ग्लोब एमबीबीएस क्रैक बुक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेडिकल ग्लोब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कामयाब पब्लिकेशंस को मुतारिफ कराता है एमबीबीएस क्रैक्स। इसमें शामिल है हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज गाइडलाइंस, सॉल्व पास्ट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पर्ल पॉइंट्स, साथ ही साथ हिस्टोलॉजी के डायग्राम्स और हर सब्जेक्ट के ऑस्पी मॉडल्स और ऑस्पी स्टेशंस। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ मेडिकल ग्लोब एक कंपोज किताब भी मुतारिफ कराता है एमसीक्यूज क्रैक्स, जिसमें हर यूनिवर्सिटी के पास्ट एमसीक्यूज शामिल है, फिर चाहे वो यूएचएस के हो या फिर नम्स के। तो क्या सोच रहे हैं आप? तो अभी अपनी एमबीबीएस क्रैक्स और एमसीक्यूज क्रैक्स को घर बैठे के बैठे हासिल करने के लिए इस नंबर पर राब्ता करें 0335663307।